नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। और यहाँ बात करने वाला हूँ दोस्तों एक ऐसे स्टॉक की जो मुझे लगता है वो निवेशक जो एक हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक ढूंढ रहे हैं, प्लस वो निवेशक जो अक्सर आपका आजकल बहुत अच्छा शो चल रहा था शार्क टैंक, आपको लगता होगा कि भैया मुझे भी किसी बिजनेस में निवेश करना चाहिए। देखिए उतने पैसे तो है नहीं, तो क्यों ना किसी ऐसी कंपनी में निवेश करें जो इस तरह के काम करती हो दोस्तों, और जिससे आप खुद भी किसी एक स्टार्टअप में निवेश करने का कहना चाहिए इनडायरेक्ट वे में एक रास्ता पा सके। तो दोस्तों बात करने वाला हूं मैं इन्फोएज की। जी हाँ दोस्तों, भयंकर गिरावट हो रही है उसमें, ठीक है। 5 से 6 दिनों में शेयर ऑलरेडी 15 से 16% गिर चुका है दोस्तों, और जिस तरह के हालात दिख रहे हैं लग रहा है कि अभी और गिरावट बाकी है। अगर आप अभी तक इसमें निवेश नहीं किए हैं, निवेश करने के मुझे लगता है दोस्तों, फिर से वर्ड सुनिएगा, निवेश करने के मुझे लगता है बहुत ही ज्यादा अच्छा और शानदार मौका आपको ये शेयर दे रहा है दोस्तों। और खास करके दोस्तों सुनिएगा, लॉन्ग टर्म के लिए, कोई भी शॉर्ट टर्म या स्विंग ट्रेड की इसमें कोई बात नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए बताऊं। सबसे पहले बात करेंगे भैया ये गिर क्यों रहा है, इतना इतना ज्यादा क्यों गिरावट हो रही है इसमें। दूसरी चीज, कौन सी वो लेवल्स होंगे जहां पे आपके निवेश करने के, यानी कि जहां पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको इस शेयर में काफी ज्यादा मिलेगा। देखिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिलेगा, लेकिन याद रखिए कि ये शेयर बहुत हाई रिस्क है, बहुत तेजी से ऊपर जाता है, बहुत तेजी से नीचे भी गिरता है, तो ये बात आप जरूर याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। अब बात करूंगा आखिरी में कि भाई मेरी क्या पोजीशन है कि नहीं, मैं इसमें क्या निवेश करने वाला हूं कि नहीं, और मैं पर्सनली क्या सोचता हूँ इस शेयर को लेकर के। हर एक चीज में चर्चा होगी दोस्तों, वीडियो प्लीज अंत तक देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव और एजुकेटिव वे वीडियो होने वाली है। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मेरे टेलीग्राम चैनल बनाए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जरूर ज्वाइन कीजिएगा दोस्तों। अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधा लेके चलूंगा दोस्तों आपको मैं शेयर प्राइस की तरफ। 4.83% दोस्तों गिरावट, ठीक है। और ये गिरावट यही नहीं थमी है, पिछले 5 दिनों में आपको अगर दिखाऊं, पिछले 5 दिनों में आप देखेंगे तो ऊपर इस तरह से लगभग शेयर दोस्तों आप देखिए लगभग लगभग 16% आप मान सकते हैं कि ये शेयर गिर चुका है। और देखिए दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए मैं कहूंगा बहुत ही ज्यादा अच्छा मौका दे रहा है ये शेयर, ठीक है। लेकिन देखिए अभी भी डाउन साइड मुझे लगता है बचा है। सबसे पहले गिरावट हो क्यों रही है दोस्तों, ये जो आपको सेल ऑफ दिख रहा है ना, ये जो ह्यूज सेल ऑफ दिख रहा है आपको, इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन दोस्तों अमेरिका, जो अमेरिकन जो बाजार है वो इतने ज्यादा बुरी कदर से गिर रहे हैं दोस्तों। और क्या हो रहा है जिस कारण, जो न्यू एज टेक है ना दोस्तों, जो न्यू एज टेक जो जितनी भी कंपनीज है उसमें आप देख रहे होंगे एक जबरदस्त सेल ऑफ हो रहा है। चाहे आप देख लीजिए, आप देख लें जोमैटो को, आप देख लें किसको, आप देख लीजिए पेटीएम को, आप देख लीजिए एक और जो कंपनी पॉलिसी बाजार वो जो लिस्ट थी उसमें गिरावट हो रही है। तो दोस्तों देखिए जो जोमैटो और पॉलिसी बाजार है ये इन्हीं की दोस्तों कहना चाहिए इस इन्फोएज का, ये दोनों में दोस्तों सब्सिडरी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, जोमैटो और पॉलिसी बाजार में। अब हो क्या रहा है इसमें, भयंकर गिरावट हो रही है इन दोनों में ही। अब इन दोनों में गिरावट हो रही है तो अल्टीमेट गिरावट कहां दिखाई दे रही है आपको, इस शेयर में। और जोमैटो में दोस्तों ह्यूज इन्वेस्टमेंट है इनकी, ठीक है, लगभग मेरी याद जहां तक मैं याद कर रहा हूं अप्रोक्सिमेट 16-17% दोस्तों स्टेक है इसमें कंपनी का। और जोमैटो 169 रुपीज से दोस्तों अपने आ चुकी है 114 रुपए के आसपास, ह्यूज सेल ऑफ, ठीक है। और यही कारण है कि आपको इन्फोएज में भी गिरावट दिख रही है। और ये जो सेल ऑफ है ना दोस्तों बहुत बड़ा रीजन है उसका, ये है पता है क्या, वो है प्रीमियम वैल्यूएशन, ठीक है, प्रीमियम वैल्यूएशन। देखिए जब ये कंपनीज का आईपीओ आया तो बहुत ही ज्यादा दोस्तों इनकी वैल्यूएशन जबरदस्त लिस्टिंग हुई, लिस्टिंग गेन भी बहुत ज्यादा हुआ, निवेशकों ने बहुत पैसा बनाया। लेकिन उसका सबसे बड़ा रीजन दोस्तों लिक्विडिटी, ठीक है, लिक्विडिटी बहुत ज्यादा रीजन था। ऐसा कुछ नहीं था कि कंपनी कुछ बहुत ज्यादा अलग कर दी थी या बहुत बम्फर ये कहना चाहिए प्रॉफिट बुक कर रही थी और सब कुछ, नहीं दोस्तों इतना ज्यादा लिक्विडिटी थी बाजार में, आईपीओ को जबरदस्त लिस्टिंग मिल रही थी, और जोमैटो उनमें से एक स्टॉक था जिनको कहना चाहिए एक बहुत अच्छी लिस्टिंग मिली। और देखिए 75 रुपए के इश्यू प्राइस में ये कंपनी लिस्ट हुई थी दोस्तों 115 रुपए में, यानी 50% का लोगों को प्रीमियम कहना चाहिए वैल्यूएशन मिला, प्लस दोस्तों इस शेयर ने 169 रुपीज के आसपास का हाई भी लगाया था।
अब क्या होता है दोस्तों, बाजारों से लिक्विडिटी जाने लगती है। कैसे? क्या पता चलता है भैया बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है, तो जितनी भी कहना चाहिए जो लिक्विडिटी, दो पैसे बाजारों को एक पंपअप कर रहे थे, उसके कारण क्या होता है, जोमेटो, पेटीएम और पॉलिसी बाजार जैसे स्टॉक जो न्यू एज टेक स्टॉक है दोस्तों, खास करके देखिए आईटी तो गिर ही रहा है बहुत बुरी कदर से, पूरा का पूरा आईटी बैंक, लेकिन जो न्यू एज टेक है ना उनमें तो कहना चाहिए ब्लड बाथ हो रहा है। और इसी कारण दोस्तों क्या हुआ, इंफो एज जो इतनी भयंकर रैली दिखाया था, मैं आपको अगर दिखाऊं पिछले 1 साल में, आप देखिए ये देखिए, ये शेयर जब 4,200 के आसपास गया था दोस्तों, इवन मान लीजिए अब 4,000 के आसपास, 4,150 के आसपास गया था, वहां से लगभग मार्च में आप देखिए ये 68.54% दोस्तों गिरावट तेजी है, ये सिर्फ मार्च से लेकर के अक्टूबर, ठीक है, इतने शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम में 68% गिरावट। और वहां से जो गिरावट शुरू हुई दोस्तों ये, ठीक है, वहां से जो गिरावट शुरू हुई है देखिए 32% शेयर गिर चुका है हाई से। और यही कारण दोस्तों सिर्फ एक चीज, वो है लिक्विडिटी। और इसीलिए मैं कहता हूं जो हाई रिस्क इन्वेस्टर है उन्हें ही ऐसे ऐसे इन स्टॉक में दोस्तों निवेश करना चाहिए, ठीक है, उन्हें ही ऐसे स्टॉक में निवेश करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये पैसे तो बहुत अच्छा बनाते हैं, लेकिन जब ये गिरते हैं ना तो इतनी ही बुरी तरह से गिरते हैं। और देखिए जो बॉन्ड यील्ड की खबर आने के बाद जिस तरह से सेल ऑफ चल रहा है यूएस बाजारों में, और वहां का असर अब जो जो कहना चाहिए, जब बॉन्ड यील्ड बढ़ती है ना दोस्तों, तो जो बड़े अच्छे निवेशक होते हैं वो सेफर साइड यानी कि एक सेफ निवेश के लिए अपने पैसों को कहां डालते हैं, बॉन्ड्स में। तो इसका सबसे ज्यादा असर किसे पड़ता है दोस्तों, जो डेवलपिंग इकोनॉमी होती है ना, ठीक है, जो डेवलपिंग इकोनॉमी होती है वहां से पैसे उठा के लोग कहाँ निवेश करते हैं, उन बॉन्ड्स में। और यही आप देख रहे हैं कि लगातार पैसे निकल रहे हैं दोस्तों। देखिए अभी बॉन्ड में निवेश नहीं किया जा रहा है, सिर्फ अभी कैश में बैठ रहे हैं लोग, ठीक है, आप तो लगा होगा कि लगा के भैया चलो बॉन्ड्स में सब डाल रहे हैं पैसा, नहीं दोस्तों बॉन्ड्स में अभी पैसे आए नहीं है, केवल माल निकाल के कैश में बैठा जा रहा है दोस्तों, ठीक है। और यही रीजन है आप पिछले 2-3 महीने में बड़ा सुन रहे होंगे कि एफआईआई बड़ा सेल ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। और अब देखिए आप जो जोमेटो है उसकी जो इतनी भयंकर वैल्यूएशन थी, और बार बार कहा जा रहा था, और आप सुनते होंगे भाई जोमेटो की वैल्यूएशन बिल्कुल सही नहीं है, ये तो बहुत ज्यादा पंपअप हो गया है, और वो इसीलिए कहा जा रहा था दोस्तों। अब क्या है, इन्वेस्टर्स पैसा अपना निकाल रहे हैं धीरे धीरे, और देखिए यही कारण है कि 169 रुपीज से लेकर के ये शेयर आज आपको कहाँ मिल रहा है दोस्तों, 114 के आसपास मिल रहा है। और इनका इनडायरेक्ट इफेक्ट किसे पड़ रहा है दोस्तों, इन्फो एज में, जहां इन्फो एज केवल 4 से 5 महीनों में ही दोस्तों केवल और केवल आपको 68% की रिटर्न दे दिया था, वहां से गिर के आज आपको वहां से -32% रिटर्न आपको केवल 3 महीनों में दिया है दोस्तों। तो आप समझ सकते होंगे ये कितना हायर इन्वेस्टमेंट है। लेकिन हाँ इन प्राइसेस में दोस्तों, इन प्राइसेस में देखिए थोड़ा सेल ऑफ और हो सकता है, क्योंकि यूएस बाजार अभी भी सेल है। फ्राइडे की क्लोजिंग जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे यूएस में अभी भी बहुत ज्यादा गिरावट लगातार जा रही दोस्तों। प्लस अभी क्या आ रहा है दोस्तों, आ रहा है हमारा बजट, जिसके कारण बाजार भी थोड़ा ज्यादा वीक है, सुस्त है, और लोग पैसे निकाल रहे हैं दोस्तों, ठीक है, और इसमें गिरावट जा रही है। मुझे पर्सनली लगता है वो निवेशक जो एक हाई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो एक ऐसी कंपनी में जो कहना चाहिए स्टार्टअप में निवेश करती है दोस्तों, इन्फो एज आपके लिए ही है दोस्तों, ठीक है। और मैं आपको अगर दिखाऊं लेवल्स की, अगर मैं चर्चा करूं आपके साथ कि कौन से वो लेवल्स हैं, तो मैं आपको दिखाता हूं। आप देखिए अभी शेयर दोस्तों कहां पे है, आप देखिए अभी जो शेयर है इसने इसे तोड़ दिया है दोस्तों, इसे नहीं तोड़ा है, माफ कीजिएगा, जो ये लेवल है ना इसने अभी नहीं तोड़ा है दोस्तों। और देखिए जो क्लासिक और फिबोनाकी में अगर आप जाएंगे तो आप पाएंगे जो ये लेवल है ना 4632, यानी कि आप इन शॉर्ट मान लीजिए 4630 से लेकर के 4650, ये जो दोस्तों लेवल है ना बहुत क्रूशियल है, ठीक है। एक कहना चाहिए अगर जिसे स्टैगर्ड वे में खरीदारी शुरू करनी है वो एक यहाँ ले ले दोस्तों, एक कहना चाहिए स्मॉल क्वांटिटी, उसके बाद जो गिरावट हो वो दोस्तों वो 4100, और पिछली बार भी दोस्तों 4100 के आसपास ही एक जबरदस्त बाउंस बैक आया था, इसलिए ये लेवल्स भी काफी अच्छे हो सकते हैं। लेकिन मैं फिर कहूंगा दोस्तों हाई इन्वेस्टमेंट है, प्लीज सोच समझ के आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से लीजिएगा, और महंगा स्टॉक है दोस्तों सबसे बड़ी बात, ठीक है। आप मैं आपको बता दूं अगर आप एज ए इन्वेस्टर हाई रिस्क इन्वेस्टर नहीं है, प्लीज इस शेयर को से दूर रहें। मैं पर्सनली बताऊं मेरी इसमें कोई पोजीशन नहीं है दोस्तों अभी, ठीक है, मेरी पर्सनली कोई पोजीशन नहीं, लेकिन हाँ 4,500 के आसपास एक बहुत अच्छा वैल्यूएशन मुझे दिखता है जहां पे इस शेयर पे एंट्री ली जा सकती है दोस्तों, ठीक है। ये मैं फिर कह रहा हूँ हाई रिस्क इन्वेस्टर्स के लिए है, मैं अभी इसमें बिल्कुल भी निवेशित नहीं हूँ, ना मेरी फैमिली का कोई मेंबर मेरी जानकारी के अंदर,
हाँ 4,500 के आसपास एक बहुत ही ज्यादा, अगर लॉन्ग टर्म निवेशक है दोस्तों तो बिल्कुल एक स्मॉल चंक ऑफ अमाउंट आपको निवेश करना चाहिए। उसके बाद अगर ये शेयर 4,000 के आसपास आता है तो दोस्तों मुझे लगता है ये शेयर वाकई में एक अच्छा काम कर सकता है। देखना होगा मंडे को शेयर किस तरफ चलता है, क्योंकि देखिए लेके अमेरिकी बाजारों में गिरावट अभी भी जारी है, इसीलिए चांसेस ये है कि इस शेयर में भी गिरावट जरूर हो दोस्तों। ठीक है, तो थोड़ा सोच समझ के काम कीजिएगा। और दोस्तों यहां तक जुड़े हैं, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। लेकिन प्योर पूरा जो वीडियो है दोस्तों एजुकेशन पर्पस के लिए है, आपको कोई भी पोजीशन बनाने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार सलाह जरूर लेनी है। तो दोस्तों ये इस वीडियो का अंत है, यहाँ तक जुड़े रहें, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।